नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों, आज के सेशन में ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको सीबीएसई क्लास 10th में आपकी जो एग्जाम है उसमें काफी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है इस सेशन के अंदर ट्रायंगल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मैंने खुद सेलेक्ट करे हैं ताकि आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर मिल पाए, आप अपनी एग्जाम में अच्छा कर पाए। बेसिकली मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी मैथ्स में पास होने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, तो उस सीरीज को आप काफी सपोर्ट कर रहे हैं, काफी प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। और ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, वन बाई वन सारी चीजें, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ट्रायंगल जो है वो ज्योमेट्री का पार्ट है और काफी बच्चों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है, ज्योमेट्री में इश्यू होता है कि सर ज्योमेट्री हमें समझ में नहीं आती, लेकिन ट्रायंगल में मैंने कुछ सिलेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको काफी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखता हूं। और आप लोगों ने अगर बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं, नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, पॉलीनोमियल, ये सब, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है और क्लास 10th के लिए स्पेशली ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चा पार्टी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, दिखा देता हूँ एक डायग्राम बना के, और उस डायग्राम के थ्रू आपको चीजें जो है वो कवर करनी है। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक ट्रायंगल की बात हो रही थी, ये मैंने एक ट्रायंगल आप लोगों के लिए डिजाइन कर दिया है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में कहा गया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसने बोला कि इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, डीई यहाँ पे कोई एक लाइन है, ये मैंने कह दिया डी और ये कह दिया मैंने ई, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ए डी एक्स गिवन है, डी बी आपको एक्स प्लस वन गिवन है, और ए ई की बात करूं तो वो आपको एक्स प्लस थ्री गिवन है, एंड ई सी की बात करूं तो वो आपको एक्स प्लस फाइव गिवन है। अब देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, आप सब लोगों को पता होगा थ्योरम के बारे में, कि जब एक लाइन डी ई जो है, अगर ट्रायंगल को अगर किन्हीं दो दो एक ट्रायंगल के किन्हीं दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन तीसरी लाइन के अगर पैरेलल है, तो आप लोगों को पता है कि क्या किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी, हम यहाँ पे कलर ले चुके हैं, आपको गिवन है डी ई पैरेलल है बेटा किसके, बी सी के। तो अगर डी ई पैरेलल है बी सी, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी, AD अपॉन DB बराबर होगा किसके बेटा, AE अपॉन EC। क्यों? क्योंकि ये एक थ्योरम है जो कि हम थ्योरम नहीं पढ़ने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन काम करने वाले हैं। अब देखिए, AD हमारे पास में कितनी है, X, DB हमारे पास में कितना है, X प्लस वन, क्योंकि ये सीरीज ही उन बच्चों के लिए बेसिकली जो मैथ्स में पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने वो चीजें सेलेक्ट करी है जो जिससे वो 60 प्लस स्कोर कर सके आराम से। ठीक है, एंड X प्लस फाइव, देखिए क्यों, क्योंकि AD आपको क्वेश्चन में गिवन था कि भाई साहब AD X था, डी बी आपको क्वेश्चन में गिवन था कितना, एक्स प्लस वन गिवन था। ठीक है, एंड ए ई की बात करें तो ए ई आपको एक्स प्लस थ्री गिवन था। ठीक है, एंड इसी तरीके से ई सी की बात करें तो वो भी बेटा आपको एक्स प्लस फाइव गिवन था। ये चीजें मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, तो मुझे एक्स्ट्रा इसमें कुछ लिखने की या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो एक्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस फाइव के साथ में, और ये बराबर हो जाएगा किसके, एक्स प्लस वन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस थ्री के साथ में। गॉट इट गाइस, इज दैट क्लियर, होप कि आपको समझ आ रहा है। तो एक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और दूसरा ब्रैकेट पूरा, फिर बीच में प्लस का साइन, अगर प्लस है तो माइनस का साइन, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का दूसरा नंबर और उसको सेकंड ब्रैकेट के साथ में पूरा। तो जैसे x ने x प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस, फिर वन को x प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका है। अब देखिए, इसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं, इसके आगे का अपन चीजें देखते हैं कि क्या क्या है।
तो हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x एज इट इज इज इक्वल टू वॉट, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के x प्लस 3 हो जाएगा। गॉट इट, यहां तक समझ में आया? अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5x 3x 2x हो गया, 3x 4x x बच गया, तो x की वैल्यू जो यहां से आएगी वो मुझे मिल जाएगी x इज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हमारा जो है वो आंसर हो गया। क्लियर? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने देने की कोशिश करी है ताकि आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाओ, समझ पाओ, सीख पाओ। जैसे आपको इसी तरीके से एक ट्रायंगल गिवन है PQR और ST पैरेलल है QR के, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। अब आप कहोगे सर जो डायग्राम है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा? बिल्कुल बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायग्राम जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ठीक है, तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए ये पी हो गया एंड ये क्यू हो गया, एक ट्रायंगल था PQR। अब इस ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड को एक तीसरी लाइन, ये थर्ड लाइन है जो कि इनको इंटरसेक्ट कर रही है S और T पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? S एंड T पॉइंट पे। ये S पॉइंट हो गया, ये T पॉइंट हो गया। ST पैरेलल है QR के, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि PSY है, ये चीज हमें गिवन थी क्वेश्चन में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये Y प्लस 2 हो गया एंड ये Y प्लस 6 हो गया एंड ये Y प्लस 10 हो गया। गॉट इट गाइज? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ST जो है वो पैरेलल है QR के। तो ST अगर पैरेलल है QR के, फिर से समझना, ST पैरेलल है QR के, तो क्या हम लिख सकते हैं PS अपॉन SQ? क्योंकि इस थ्योरम के बारे में आपके टीचर ने आपको बताया होगा, लेकिन अगर आपने थ्योरम ही पढ़ी होती तो आप ये डिमांड नहीं करते कि सर पास होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है और डेफिनेटली इस बार भी आएगा, चाहे आप बेसिक से हैं चाहे आप स्टैंडर्ड से हैं, डजंट मैटर। अब देखिए PS कितना है? Y है, जो कि क्वेश्चन से उठा के बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। SQ कितना है? Y प्लस 2 है। इज इक्वल टू PT कितना दे रखा है बेटा? Y प्लस 6 दे रखा है, बिल्कुल सर हमने लिख दिया। डिवाइड बाय TR कितना दे रखा है? Y प्लस 10 दे रखा है। गॉट इट? अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Y को आपको मल्टीप्लाई करना है Y प्लस 10 के साथ में, ठीक है जी, समझ आ रहा है सबको। एंड y प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ में? y प्लस 6 के साथ में। होप कि आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया है। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम यहां लिखते हैं। हमें रिजल्ट मिलेगा y स्क्वायर प्लस 10y बराबर हो जाएगा किसके, यहां पे मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y स्क्वायर प्लस के 6y, ठीक है, प्लस के 2y प्लस के 12। गॉट इट गाइज? अब देखिए y से y कैंसिल। क्यों कैंसिल? क्योंकि मैंने जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि एक नंबर यदि प्लस का है तो इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर करते ही वो माइनस का हो जाता है, अगर कोई नंबर माइनस का है तो इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर करते ही वो प्लस का हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि वाई स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इधर कितना है? 10y, 6y और 2y होते हैं 8y, तो 8y इधर आएगा तो माइनस के 8y, उधर कितना बच गया? 12। तो अब देखिए 10y में से मतलब ये हो गया 2y, 2y बराबर 12 है, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्टली आप बोल सकते हैं सर 12 से डिवाइड कर देंगे 2 को तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर हमें चीज़ें समझ आ रही हैं, हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ट्रायंगल चैप्टर के अंदर केवल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ओनली 5 क्वेश्चन, ठीक है बच्चा पार्टी, केवल और केवल 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से ही देखेंगे और अच्छे से प्रिपेयर उनको करेंगे, ठीक है जी। बाकी क्वालिटी पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी कंटेंट हम बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं वो कंटेंट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ऑडियो वीडियो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी यार धमाका करने वाले हैं, आप लोगों का सपोर्ट काफी मिल रहा है मुझे, आप लोगों का काफी प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का मैं मतलब मेरे पास में शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो आपने यहां तक पहुंचाया है, आगे भी आप ही लोग पहुंचाएंगे क्योंकि एग्जाम पावर जो है वो आप ही का चैनल है, तो सपोर्ट कीजिए। एंड एग्जाम पावर को काफी बच्चे जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, इस बात की भी मुझे खुशी है, ठीक है। और बाकी पूरी कंप्लीट NCERT सॉल्यूशन अपन लेके आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे हर चीज पे मैं जाने वाला हूँ, हर चीज में आपको करा के देने वाला हूँ। NCERT हो गया, उसके बाद RD शर्मा पे भी अपन काम करेंगे, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अपन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल इट सी,
इफ पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी एंड एंड ए बी सी टू ए बी एंड ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर है 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर है 1 अपॉन बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले डायग्राम पे अपन काम करते हैं। देखिएगा डायग्राम में कहा गया कि ए ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, एक ट्रायंगल है तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है बेटा, होप कि आपको समझ आएगा जो भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी है, और जहां पे सी जो है वो राइट एंगल है, तो राइट एंगल यहां पे है, मतलब सी को हमें यहां लिखना पड़ेगा और ए यहां आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ए बी सी इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन में एक्चुअल में बोला क्या गया है। तो सबसे पहले आपको उस बात के बारे में भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, समझ गए। चलिए तो अब हमने लिखा बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से हमने इसको लिखा, ए सी बी मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें से सी आपका राइट एंगल है। इफ पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, ये सी है और ए बी मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाला, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो इसको क्या कहा, पी, इफ पी, ये एक पी पॉइंट दे दिया यहाँ पे, इसने खुद ही बोला है, ठीक है। तो हमने सॉरी पी नहीं है, इफ पी इज द लेंथ, अच्छा ये तो लेंथ है इसकी, मतलब ये जो इतनी लेंथ है ये पी है और ये इसको डी पॉइंट दे दो आप, ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी एंड ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू एंगल, ए बी और सी जो है, मान लेते हैं कि ए जो है वो यहां से यहां तक की लेंथ है, ठीक है जी, और बी जो है वो यहां से यहां तक की लेंथ है, और सी जो है वो यहां से यहां तक की लेंथ है। इन तीनों की लेंथ मुझे गिवन है, अब मुझे बताना क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट, देन हमें प्रूव करके बताना है, देन प्रूव दैट 1 अपॉन पी स्क्वायर, यहां मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं कि 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी, और ये बराबर होगा 1 अपॉन बी स्क्वायर के। ये चीज मुझे प्रूव करनी है जो कि हम करने वाले हैं। अब मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास में तीन ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से, एक ट्रायंगल बना ए सी डी, दूसरा ट्रायंगल बना डी सी बी, और तीसरा ट्रायंगल पूरा का पूरा ए सी बी या फिर ए बी सी, समझ रहे हैं आप कैसे। देखो एक ट्रायंगल तो ये पूरा का पूरा जो बन रहा है, मेरे कर्सर की तरफ आप ध्यान दीजिए, दूसरा ट्रायंगल ए सी बी ए सी डी राइट, और तीसरा ट्रायंगल ये, समझ गए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें ना एक काम करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, सिमिलर प्रूफ कर दूंगा ना तो मेरे लिए क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। तो कौन से दो ट्रायंगल को, ए सी बी एंड सी डी बी को, ए सी बी मतलब ये बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, सिमिलर प्रूफ मुझे करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा एक एक चीज, क्योंकि अच्छे से इस क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ भी आएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी डी बी, सी डी बी सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैं जानता हूं इस ट्रायंगल में मुझे एंगल ए बी एंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और सी डी बी सी डी बी ये वाला ट्रायंगल राइट, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल नहीं सॉरी इसमें ए बी डी ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल राइट और ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि यहां तो 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है ना, अपन ऐसा तो कह ही सकते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कुछ एंगल बी एंड बी, पहले बी और बी को ले लेते हैं, चलो एक काम करते हैं इसको ऐसा लिखते हैं, एंगल बी एंड बी जो है वो आपको कॉमन दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एंगल बी बराबर है एंगल बी के जो कि क्या है, कॉमन है, हाँ ना बोलो, कॉमन है, बिल्कुल सर। अब ये बड़े वाला ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल ए सी बी बराबर है किसके, बराबर है किसके बोलो, सी डी बी के, सी डी बी के, एंगल सी डी बी के, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। देखो ये तो 90 डिग्री का इसलिए है क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये यहाँ पर जो एंगल बना ये,
और यहाँ पे जो एंगल बना ये दोनों 90-90 के हैं, समझ में आया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए ए सिमिलरिटी से, कौन सी सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी से मैंने क्या करा, दोनों दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया। ए ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है जो हमने इस तरीके से सांप सांप की तरह लिखा है, ठीक है, और ट्रायंगल सी डी बी। अब हम जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड जो है वो, जैसे बी अपॉन पी मैंने लिख दिया, ये बराबर होगा किसके, सी अपॉन ए के। ये बात आपको समझ में आई, बी अपॉन पी बराबर होगा सी अपॉन ए के। ये बी था इसकी और ये इसकी पी हो गई, ठीक है, और ये सी है, ठीक है, ये पूरे इसकी सी है और ये इसकी पूरे की ए हो गई। तो दो साइड हमने इक्वल करी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे सिंपली इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँ कि वन अपॉन पी, वन अपॉन पी आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर वन अपॉन पी मुझे मिल गया सी अपॉन ए बी। सी अपॉन ए बी कैसे मिला, बी को इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, वन अपॉन पी बराबर है सी अपॉन ए बी के, गॉट इट। चलिए अब इसको पूरा करते हैं। अब क्या करेंगे, हमने एक 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 टेक्निक यहाँ पे यूज करी कि हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे 1 अपॉन पी स्क्वायर पूछा जा रहा है, ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए 1 अपॉन ए स्क्वायर, बराबर होगा क्या 1 अपॉन बी स्क्वायर के, तो ये हम प्रूफ करके देखेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा बताओ, इधर होगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी, ऐसा लिख सकते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बिल्कुल सर आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आप मुझे बताओ सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सी जो स्क्वायर है, सी स्क्वायर आपको गिवन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है ऐसे समझ में नहीं आया भाई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये पूरा बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इसमें ये हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे बताओ, सी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस यूज करते हैं ना यहाँ पे, इतना तो पता ही होगा आपको, और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, क्योंकि मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटाने वाला हूँ, ऊपर वाला ये रब कर देता हूँ मैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, या तो वीडियो को पॉज करके पहले कर लेना, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब हम जो अगली स्टेप है हमारी उसके ऊपर जाते हैं। हमारी अगली स्टेप है कि हमने क्या सॉल्व कर लिया, हमने निकाल लिया कि 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, हाँ ना बोलो, इन दोनों को अलग अलग अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है, ये बीच में प्लस लिखना है यार, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, बीच में प्लस है, इक्वल मत समझना, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन पी स्क्वायर एज इट इज मैंने लिख दिया है यहाँ पर, होप कि आपको समझ आ रहा है, दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, ए से कैंसिल 1 अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, बी से भी कैंसिल 1 अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, तो क्या यहाँ से ये चीज़ मेरी प्रूफ नहीं हो जाती है, मैं रब कर देता हूँ एक मिनट नीचे वाले पोर्शन को ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। और ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि सर आवाज़ नहीं आ रही, आप कुछ धीरे बोल रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा इश्यू आता है, आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। जैसे मैंने लिखा 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर होगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी से बी कैंसिल 1 अपॉन ए स्क्वायर के, ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, गॉट इट गाइस। चलिए प्रूफ हो गया, तो हम लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, इसके बाद में दो क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, एंड थर्ड है, थर्ड हमने कर लिया है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है वो फोर्थ क्वेश्चन, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो देखो, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी सच दैट ए डी स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सच दैट ए
डी स्क्वायर बराबर है किसके, बी डी इंटू सी डी, बी डी मल्टीप्लाई सी डी। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए। हमें क्या प्रूव करना है कि आपका जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ए पे राइट एंगल है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले मैंने मान लो एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने, होप कि आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, ए, ठीक है, ए मैंने लिखा, बी सी और डी, ये एक ट्राइंगल बना, ये यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में कहा गया है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल था पूरा बड़े वाला ए बी सी, एंड ए डी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये बी सी के ऊपर ए डी परपेंडिकुलर है, सच दैट ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर होगा बी डी इंटू सी डी। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो अगर ये चीज मुझे गिवन है तो बस इसी का फायदा उठा लूंगा मैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करो, क्या चीज गिवन है, आपने बोला कि सर मुझे गिवन है ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी मल्टीप्लाई सी डी, ये चीज आपको गिवन है, बिल्कुल सर ये चीज मुझे गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी हो गया, तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, ए डी मल्टीप्लाई ए डी ऐसा लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर को, और ये बराबर हो जाएगा किसके, बी डी इंटू सी डी के, बी डी इंटू सी डी के हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब देखो मैं क्या करूँगा, ए डी अपॉन सी डी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए डी अपॉन सी डी बराबर कर देंगे किसको, ए डी सॉरी बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, कैसे किया सर समझ नहीं आया। बेटा देखो ए डी स्क्वायर को हम ए डी इंटू ए डी लिख दिया, बी डी इंटू सी डी एज इट इज, तो मैंने क्या करा, एक ए डी को उधर भेज दिया और सी डी को इधर कर दिया, तो ए डी को उधर भेजेंगे तो बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा, और सी डी को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में ए डी अपॉन सी डी हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, बात समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आई। अगर ऐसा है, और दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपका जो एंगल डी है, एंगल डी जो है वो बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर ये एक एंगल हमारा 90 डिग्री है और दो साइडें हमारी इक्वल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बाय एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी ट्रेंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रेंगल बी डी ए के। क्या मेरी बात समझ पाए, क्योंकि ये कुछ रूल्स होते हैं, साइड एंगल साइड, ए ए मतलब एंगल एंगल, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि ट्रेंगल ए डी सी एंड ट्रेंगल बी डी ए को हमने सिमिलर प्रूव कर लिया। अब जब सिमिलर ट्राइंगल होता है तो क्या हम इसमें ये नहीं कह सकते कि एंगल बी ए डी बराबर होगा बेटा एंगल ए सी डी के, क्योंकि क्रोस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। यदि ऐसा है तो हम ये बात भी बोल सकते हैं कि एंगल डी ए सी बराबर है एंगल डी बी ए के, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, एंगल बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल बराबर हो गया ए सी डी मतलब इस वाले एंगल के, समझ आया मेरी बात, बिल्कुल सर यहाँ तक समझ में आई। दूसरी चीज इसने कहा कि एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इस दूसरे ट्रायंगल का बराबर है डी बी ए के मतलब इस वाले के, ठीक है, और ये 90 90 है दोनों का, तो ये तो वैसे ही बराबर हो गया। तो ए ए से भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ अपने करें, बट पहले सिमिलर किए हैं तभी ये ट्रायंगल इनके इक्वल है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं, क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं एंड जो क्रोस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तभी उनको सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। अब मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमें ए को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ए को 90 डिग्री तब प्रूफ कर सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि ये कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है, ठीक है। ये दोनों एंगल अगर मैं निकाल लेता हूँ तो ऑटोमेटिक ए जो है वो प्रूफ हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली ए को निकाल लेते हैं अपन, अगर ए 90 डिग्री आ जाता है तब तो हमारा ए प्रूफ हो गया, 90 डिग्री नहीं आता तो प्रूफ नहीं होगा। तो चलो करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से कवर करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पोर्शन रब कर दिया है मैंने ताकि आपको एक एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ सब कुछ आपको समझ में आए, ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको समझ में ना आए, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है। चलिए देखिए मैंने पेन ले लिया है, ये मैंने पेन ले लिया,
ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर हमें जो जो चीज गिवन है हम उन पे काम करेंगे। ठीक है, अब हमने करा कि डीएसी को डीबीए के बराबर प्रूफ कर दिया, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, बोलो सर क्या काम करना है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एंगल बी ए डी इसको प्लस कर लिया, एंगल ए सी डी इसको प्लस कर लिया, एंगल डी ए सी इसको प्लस कर लिया, प्लस एंगल डी बी ए, डी बी ए ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी ए डी, क्यों किया मैंने ऐसा वो भी बताऊंगा, प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी बी ए, इनको इक्वल कर दिया मैंने 180 डिग्री के। ठीक है, तो मैंने देखा कि बी ए डी ए सी डी डी ए सी डी बी ए ये आपस में बराबर है चारों एंगल, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ टू एंगल बी ए डी प्लस टू एंगल डी ए सी, टू एंगल डी ए सी ये बराबर होगा किसके 180 के। तो आपको पता चल गया कि एंगल बी ए डी ठीक है प्लस एंगल डी ए सी बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, एंगल बी ए डी मतलब ये और ये, इन दोनों एंगल का सम बराबर है इस पूरे एंगल ए के, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर प्रूव हो गया 90 डिग्री, मतलब एंगल ए प्रूव हो गया 90 डिग्री के, और यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। समझ आया? हाँ ना बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उस लास्ट क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा प्यारा इजी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड इज ए सेंटीमीटर। सबसे पहले एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ करा, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटा, ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमने क्या लिखा, हमने लिखा ये ए ये बी और ये सी। ठीक है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली साइड ए दे रखी है, ए सी भी आपको ए दे रखी है, बी सी भी आपको ए दे रखी है। ठीक है, ए दे रखी है। अब यहाँ पे ए जो एक पॉइंट बना, ये मैंने कह दिया ये डी पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली साइड पूछूँ आपसे बी डी कितनी डी सी कितनी, तो आपको पता है कि एल्टीट्यूड का काम क्या होता है, जो नीचे वाला बेस है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, या फिर मीडियन कह सकते हैं। ठीक है, तो बी डी और डी सी आपस में बराबर है किसके, ए बाई टू के। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा कि बी डी बराबर है ए सी बराबर है ए बाई टू के। ठीक है जी, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए। अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक मिनट रुकिए आप, ठीक चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, ओके सर, बी डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बाई टू, यहाँ तक सर समझ में आया, यहाँ तक हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, मुझे कहा गया कि एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट फाइंड करनी है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, बन गए, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इसकी हाइट मुझे पता नहीं है तो मैं कह दूंगा इसकी हाइट एच हो गई। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ए का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाय पी जी टी, बाय पी जी टी क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आप कहोगे सर, हाइपोटेनियस ए दे रखा है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है ए, तो मतलब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि सर ए का स्क्वायर। ठीक है, एंड सॉरी ये 90 डिग्री, हाइपोटेनियस ए का स्क्वायर हो गया, सही है तो है, सही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है एच, मतलब एच का स्क्वायर प्लस बेस आपको दे रखा है ए बाई टू, मतलब ए बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, एच चाहिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब आप बताओ एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर एच स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा 4, मतलब 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 4a² और 4a² में से एक चीज़ अगर अपन रिमूव कर देते हैं, तो एक मिनट इसको अपन ने उधर भेजा था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, ऐसा कर लेते क्योंकि हमने इसको इधर नहीं इसको उधर भेजा है। ठीक है, तो एच स्क्वायर हो गया यहाँ पर
तो डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 4 + a² मतलब 3 a² / 4। तो h की वैल्यू चाहिए, तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, √3a² / 4, जो कि कितना हो जाएगा, 3a² / 4। आप इतना ही लिख लीजिए, ज़्यादा टफ आपको जाना ही नहीं है। तो हाइट आप बोलेंगे कि ये हो गई, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय बच्चा पार्टी।